शहर के तिरंगा चौक में एक पुराना बड़ा नीम का पेड़ था जिसे बिना वजह तोड़ा गया। तिरंगा चौक स्थित सीताराम खराबे का पांठेला है और उन्होंने किस कारण ये पेड़ काटा ये तो पता नहीं, लेकिन पेड़ काटने के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब नागपुर शहर युवक कांग्रेस के सचिव जितेंद्र समुद्रे ने की है। पेड़ पौधे बिना वजह काटना एक गुनाह है जिस कारण दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। यहाँ पे ये नीम का पेड़ काटा गया है, ये आने वाले 50 सालों से ये पेड़ यहाँ पे था। यहाँ पे अभी सीमेंट रोड का काम होने के बावजूद भी कॉरपोरेशन ने ये पेड़ को हटा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे पांठेले वाले को इस चीज़ से प्रॉब्लम था, उन्होंने अपने पर्सनली आदमी लगा के ये पेड़ कटवाया है। और इससे आने जाने वालों को जो बूढ़े मात्रा लोग आते थे यहाँ बैठते थे इसकी छाव का लुत्फ उठ लेते थे, वो बेचारे ये सब चीज़ों से वंचित हो गए। पर हम लोगों का ये कहना है कि जिन्होंने भी ये काम किया है उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। कुछ भी कारण नहीं था सर, इसमें पेड़ काटने का कोई रीज़न नहीं था। उसका पांठेला शायद छुपता होगा इसी वजह से उसने काटा होगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं था। इसमें सीताराम खराबे वो कार्रवाई करने का भरोसा दिया है उन्होंने। अभी हमारी ये मांग है कि जिन्होंने भी ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उसके, ताकि दोबारा कोई व्यक्ति अपने इसी तरीके का कोई गुनाह ना करे। क्योंकि पेड़ काटना बोलो तो सबसे बड़ा गुनाह है। आज जो भी प्रकृति आपदा आ रही है ये सब अपने जंगल झाड़ी ये सब खत्म हो रहे हैं करके, इसी वजह से बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, भूस्खलन हो रहा है, ये पेड़ को काटने से ही हो रहा है। और हम युवा कांग्रेस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं लोगों को और जनता को कि ये सब चीज़ें जो भी जहाँ भी हो रही है उस पर कड़ी कार्रवाई करें और उस पर ध्यान दिया जाए।